यार इसको मैं यहीं फेंकता हूँ अभी तो। ओह यार यहीं पर थी। एक मिनट भाई, एक मिनट। वो ग्रैंड पर सामने से जा रहा, जाने देते हैं उसे आराम से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आज हम ग्रीन चैप्टर 2 खेल रहे हैं। तो यार आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं बोट स्केप करने वाला हूँ, तो बट यार आज मैं बोट स्केप करेंगे बट यार कुछ नए तरीके से। तो चलो यार, गेम प्ले वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना। तो सबसे पहले यार मैं बोट से रिलेटेड को मैं जल्दी से सामान ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो जल्दी, ओ यहाँ तो गन मिल गई यार भाई। गन के साथ साथ हमारे ख्याल से ग्रैनी भी हमारे पीछे ही है, तो हमें बहुत संभाल के खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक ग्रैनी यहीं पर है, तो एक ग्रैनी जा रही है, से जाने देते हैं। तो एक मिनट और भी सामान चेक करता हूँ मैं, इसमें किस काम का नहीं है। ओ वाह, यहाँ पर सेफ की मिली है। तो जल्दी सर सेफ की को मैं नीचे लेकर चलता हूँ फटाफट बस। ओ भाई बाथरूम में तो यार पेट्रोल भी मिल चुका है हमें, तो हमें दो अभी यार अभी तो एक ही सामान मिला है। तो सेफ की सर देखता हूँ यहाँ कुछ अच्छा ही मिले बोर्ड से रिलेटेड। तो भाई यहाँ पे हमें स्पार्क वाला भी मिल चुका है, तो जल्दी सर स्पार्क वाला को मैं नीचे लेकर चलता हूँ। भाई मैं इसके नीचे वाली बात नहीं कर रहा, मैं इस वाले रूम की बात कर रहा हूँ। तो हमें इस वाले रूम में लेकर जाना है स्पार्क प्लग को, और जल्दी सर स्पार्क प्लग को यहाँ पे फेंकना है। अगर यार इस पे मैं स्पार्क प्लग क्यों फेंका वो आपको लास्ट तक पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। नहीं तो सबसे पहले तो यार मुझे और भी सामान चाहिए होगा। ओ हाँ याद है, यहाँ पे पेट्रोल पड़ा था, तो जल्दी से इस पेट्रोल को मैं उठा लेता हूँ। सॉरी फ्यूल गैस, इसको भी नीचे फेंक रहा हूँ मैं। तो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आई थिंक। तो यार मुझे ऊपर गन दिख रही, जल्दी से पहले मैं गन ले लेता हूँ हाथ में यार, क्योंकि यार ग्रैनी ग्रैंडपा हमें मार देंगे, तो यार गन हमारा सेफ रहेगा मान लिया। तो भाई अब हमारे हाथ में गन है, अब हमें डरना नहीं है ग्रैनी ग्रैंडपा किसी से भी। तो फटाफट भाई ग्रैनी को ढूंढता हूँ मैं। ओ भाई फाइनली ग्रैनी आ रही है, तो ये ले भाई। तो भाई ग्रैनी की तो हमने हालत ख़राब कर दी है अब बस। भाई भाई ग्रैंडपा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है अपने मज़े में। चल भाई धरा, तो ये ले भाई। ग्रैंडपा को हमने मार दिया है, अबे ये तो दे। तो भाई इससे हमें लेनी है सिक्योरिटी की फटाफट। अबे सिक्योरिटी की दे नहीं रहा, तो दे बुढ़े। अबे अबे क्या कर रहा है भाई, ये सामने प्लट भी नहीं रहा है। अबे कैसे करेगा बे। हेलो हेलो बुढ़े। A few moments later. भाई इसने चाबी दी नहीं मेरे को, तो छोड़ो यार उसे। और भाई एक सामने सो, ओ भाई ग्रैनी भी आ गई। भाई ग्रैंड पर सो रहा है सामने, हम पे इतना अच्छा मौका था, बट कोई यार ग्रैनी चली गई। बट यहाँ हमें बोट हैंडल मिल चुका है, तो जल्दी से इस बोट हैंडल को मैं बाहर लेकर चलता हूँ फटाफट। भाई जल्दी कर जल्दी। तो यार इसको भी मैं इस पानी में फेंकने वाला हूँ फटाफट। अबे यार ये तो उस साइड चला गया। अबे एक तो उस साइड चला। अब यार हमें इस पानी को हटाना ही पड़ेगा फाइनली, तब भी यार जो दो सामान फेंका है मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो कहाँ गए हैं। तो एक मिनट ग्रैनी मेरे पीछे, पहले ग्रैनी को मार देता हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चल साइड हो। तो भाई ग्रैनी को तो हमने मार दिया है, बट एक ग्रैंडपा भी बचा है, तो जल्दी से ग्रैंडपा को मारते हैं और इसको भी मारते हैं, ये जो ग्रैंडपा की जो भी हो। भाई उसने देख लिया, बुढ़े ने देख लिया भाई हमें, तो जल्दी से इस बुढ़े को मैं मारता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो भाई बुढ़े को भी हमने मार दिया है। अब जो लास्ट में वो क्या नाम है उसका भाई, सैलरी नहीं जो भी हो, तो उसको भी यार मारना पड़ेगा, क्योंकि यार हमारा बोर्ड का हैंडल यार उस साइड चला गया है, उसको तो लेना ही पड़ेगा ही। जल्दी से इसको मार देता हूँ मैं। अब यार फटाफट मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, रिंच। तो हमारी रिंच भाई ये रही, तो जल्दी से इस रिंच को लगा देता हूँ मैं फटाफट। चल चल जल्दी भाई, ग्रैनी ग्रैंड पर कभी भी आ सकते हैं, हमें जल्दी करना पड़ेगा, लगा दे। अबे क्या हो रहा है ये। तो हमने यार इस पानी को हटा दिया है। ओ एक मिनट भाई, ओ भाई इसने हमारी एमओ खा ली। अबे यार, अबे चलो छोड़ो यार, अब जो भी हुआ अब जल्दी से यहाँ पर देखता हूँ।
अबे यार हमें यार पैड लो की चाहिए और एक एक बोट की चाहिए। आई थिंक यार ग्रैनी आ रही है, मैंने कहा था ना आ जाएगी। तो एक मिनट भाई, भाई ग्रैनी आ चुकी है। तो भाई ग्रैनी उस साइड जाएगी क्योंकि हम उस साइड आवाज़ करके आए। तो फटाफट यार मैं यहाँ से निकलता हूँ और सबसे पहले यार मैं ऊपर चलता हूँ ऊपर। भाई ग्रैंड पा ना जाए, जल्दी जल्दी। और भाई इसमें मैं चेक करता हूँ क्या। गलती ग्रैनी जा रही है भाई, ग्रैनी को मैं जाने देता हूँ। तो बुढ़िया चली जा, वही फाइनली बुढ़िया चली गई है। अब यहाँ से मैं ये उठाता हूँ यार, क्या कहते हैं इसे, बोट हैंडल। अब क्योंकि यार बोट हैंडल को तो मैं डायरेक्ट नीचे लेकर जाना पड़ेगा। और भाई मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो भाई ग्रैनी यहीं थी। तो यार बुढ़िया मेरा पीछा छोड़े तभी मैं आपको दिखा पाऊँगा, मेरे पीछे ही पड़ी पड़ी आ रही है। तो जल्दी सर इसको मैं नीचे लेकर चलता हूँ फटाफट। तो भाई बोट हैंडल तो हम नीचे लेकर चले गए हैं, बट अभी मैं आपको, भाई देखो मैंने जितने भी सामान नीचे फेंके हैं वो सब यार यहाँ के गिर गए हैं। यार ये वाली ट्रिक किस किस को पता थी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ स्पार्क प्लग, भाई अगर आप ऊपर वाले पानी में डालोगे सारा सामान आपको नीचे मिल जाएगा। और इससे यार तुम आसान, बहुत ही आसान से बोर्ड स्केप कर सकते हो, ग्रैनी को ही नहीं पता चलेगा। तो भाई ये भी मेरे ख्याल से ग्लिची था, बट अगर आपको पता था कमेंट में ज़रूर बताना। अब जल्दी से यार, भाई देखो यहाँ पे एम भी पड़ी है, मैं अभी दोबारा दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ से पैडलॉक की, एक मिनट भाई नहीं उठी, तो दोबारा से मैं पैडलॉक की उठा लेता हूँ और जल्दी से इस पैडलॉक की को नीचे लगाता हूँ। भाई यहाँ पे लगाना है। और इससे यार हमने वो सामने वाला दरवाज़ा खोल दिया है। अब इसको यहीं फेंकता हूँ और ऊपर चलता हूँ क्योंकि यार अभी हमें बोट की चाहिए और सब तो सामान होगा। और सामने यार देखोगे हमें गन का एमओ पड़ा है यार, यहाँ पे आके गिरा है। तो उसने खाई नहीं थी, यहाँ पे आके गिर गई थी। अब यार हमें चाहिए एक बोट की, जो मुझे पता है कहाँ मिलने वाली क्योंकि मैंने उसे देख लिया था। ओ भाई इसने तो जाल बिछा रखा है बुढ़िया ने। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ फटाफट। तो यार यहाँ पे बोट की ले ली हमने और भाई सारा सामान हमारा हो चुका है। फटाफट यार इस बोट को बोट पे लगाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ मैं। तो यार ये सीक्रेट वाला ग्लिच कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिलहाल के लिए यार इस गेम को, सॉरी मैंने यार बोट स्केप कर दिया इसकी, कमेंट में ज़रूर बताना अगला गेम कौन सा खेलें हम। तो यार फिलहाल के लिए ग्रैनी ग्रैंडपा को दोनों को बाय बोलते हूँ।